नमस्कार सभी को, U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 4.3 का एग्जाम्पल नंबर 7 पर डिस्कस करेंगे। आइए करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का एग्जाम्पल नंबर 7 मीन उदाहरण नंबर 7 है। एक द्विघात समीकरण दी हुई है 2x² - 5x + 3 = 0। इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, मीन पूर्ण वर्ग विधि से हल करके इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो आइए करते हैं। तो हमारे पास समीकरण है 2x² - 5x + 3 = 0। फर्स्ट स्टेप में, सबसे पहले स्टेप में हम जो x² के गुणांक है उससे हम इस पूरी समीकरण को क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो x² का गुणांक हमारे पास 2 है, तो लिखेंगे समीकरण को x² के गुणांक 2 से भाग करने पर और x² का गुणांक हमारे पास है 2, तो करते हैं तो हमारे पास 2x² को करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहां बचेगा 5/2x और +3/2 = 0। अब आगे हम करते हैं x² - 5/2x, इस -3/2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -3/2 हो गया। अब दूसरे स्टेप में हमारे पास जो x का गुणांक है उसका आधा करेंगे और आधे का वर्ग दोनों साइड को जोड़ेंगे। तो करते हैं समीकरण में x के गुणांक 5/2 के आधे का वर्ग, आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर और आधा 5/2 का आधा हमारे पास होगा 5/4। तो हमने 5/4 का वर्ग दोनों साइड में जोड़ना है, तो जोड़ते हैं x² - 5/2x + 5/4 = -3/2 + 5/4 = 0। तो करते हैं आगे x² अब हम आगे करते हैं। तो अब आगे हमें इस संख्या को x² - 5/2x + 5/4 का वर्ग, ये हमारे पास पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग मीन्स a - b का वर्ग या a + b का वर्ग है। तो यहां से हम x लेंगे और यहां जो निशान होगा उस निशान को लेंगे और यहां जो संख्या होगी 5/4 इसका वर्ग, मीन्स x - 5/4 का वर्ग को खोलेंगे तो हमारे पास संख्या बनेगी x² - 5/2x + 5/4 = -3/2 + 5² = 25 + 4² = 16। तो आइए करते हैं यहां x - 5/4 का वर्ग बराबर -3/2 और 16 का एलसीएम हमारे पास 16 होता है। 2 को 16 से भाग करेंगे, 16 को 2 से भाग करेंगे 8 + 8 = 24। यहां 16 को 2 से भाग करेंगे तो 8 को 3 से गुणा करेंगे 8 + 24, 16 + 16 तो यहां हो गया 25। अब हमारे पास संख्या बनेगी x - 5/4 का वर्ग बराबर 1/16।
अब हमारे पास x माइनस 5 बटे 4 का वर्ग है, तो हम इस साइड का भी वर्गमूल कर देते हैं। तो यहाँ से x माइनस 5 बटे 4, इसका यहाँ से वर्गमूल हट गया और यहाँ हो जाएगा 1/16 प्लस माइनस वर्गमूल 1/16, तो संख्या हो जाएगी x माइनस 5 बटे 4 बराबर प्लस माइनस 1/4। अब हमने x की वैल्यू ज्ञात कर ली है, मीन्स प्लस माइनस का मतलब है एक बार 1/4 को हम जोड़ेंगे और एक बार 1/4 को घटाएंगे। तो करते हैं x बराबर, पहली बार हम जमा लेते हैं, तो 1/4 ये इधर से जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ 5/4, तो ये हो जाएगा x बराबर एलसीएम तो 4 और 1 + 5 बराबर 6/4, 2 × 4 2 × 6 x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, इसको x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4। अब हम दूसरी बार में माइनस का 1/4 लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/4 बराबर माइनस का 1/4, तो x बराबर माइनस का 1/4 ये इधर से जाएगा 5/4, तो ये हो जाएगा एलसीएम 4 माइनस 1 प्लस 4 × 4 तो 5, 4/4 चार से 4 फिनिश हो गया 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब इस समीकरण के अतः समीकरण के अभीष्ट मूल होंगे बराबर 3/x की वैल्यू हमारे पास 3/2 और दूसरी वैल्यू होगी 1। इस क्वेश्चन के आंसर है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।